नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सभी के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं और वो हिस्ट्री जो है उनकी अपकमिंग फिल्म रंग दे बसंती को लेकर है। जी हाँ, बात करें तो रंग दे बसंती फिल्म जो है मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचेगी और सबसे ज़्यादा सिनेमा घरों में रिलीज होने का एक बड़ा मुकाम स्थापित करेगी। इसके साथ साथ खेसारी यादव की इस फिल्म को लेकर क्या कुछ प्लानिंग्स है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, बात करें तो SRK म्यूजिक के बैनर तले बने फिल्म रंग दे बसंती, जिसमें खेसारी लाल यादव अहम भूमिका में हैं, रति पांडे के अलावा और भी तमाम अभिनेत्रियां जो हैं इस गाने में इस फिल्म में एज लीड एक्टर्स के रूप में नजर आने वाली हैं और ये फिल्म जो है हमारे देश के तमाम राज्यों में रिलीज किया जाना है 7 जून से। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। अगर मैं बात करूं तो बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को IONS PVR जैसे सिनेमाघरों में मल्टीप्लेक्सेस में जहां पर बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्म लगती है वहां पर इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। और बड़ी बात यह है कि जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे खास करके अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव की बात कर लूँ, दिल्ली की बात कर लूँ, इस जगहों पर जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज होती है और PVR में, सिनेपॉलिक्स में और भी तमाम जगहों पर मल्टीप्लेक्सेस में, तो ये फिल्म रिलीज़ की जानी है, जिसका आंकड़ा, जिसका लिस्ट जो है वो आप सभी को मिल भी गया है। बड़ी बात यह है कि जैसे गदर और तमाम बड़े बड़े फिल्मों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सोचिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तमाम सिनेमाघरों में इस फिल्म को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। मैंने देखा था दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड का जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें 41 सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के सबसे ज़्यादा सिनेमाघर 85 सिनेमाघरों में, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भी 40 सिनेमाघर में इस फिल्म को रिलीज किया जाए, और अगर मिला दिया जाए तकरीबन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तो 8 राज्यों में इस फिल्म को 166 सिनेमाघर मिले हैं। सोचिए 166 सिनेमाघर, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि खेसारी लाल यादव के है। और बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव भी टच करने वाले हैं, तमाम सिनेमाघरों में जाने वाले हैं ताकि उस फिल्म को देखा जाए, लोग अट्रैक्ट हों इस फिल्म को देखने के लिए। और खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और लाइव में ये उनके जो प्रोड्यूसर SRK म्यूजिक के हैं उन्होंने पूरी जानकारी दिया हुआ है। अब नज़र बनी रहेगी, 7 तारीख तक दिल्ली में है, दिल्ली का भी मैं अपडेट लेकर आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी फिल्म देखने के लिए जाऊँ, तो आप लोग इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, क्या सच में लगता है कि इतना सिनेमाघरों में, मल्टीप्लेक्सेस में, सिनेपॉलिक्स में, आइनॉक्स में और जैसे बड़े बड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, तो ये फिल्म कामयाब हो पाएगी, आप लोगों को क्या लगता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।